हेलो स्टूडेंट्स आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो जैसे कि बेटा आपके पेपर का पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो थ्री थ्री मार्क्स के आएंगे ठीक है तो हम थ्री मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत पहले ही आपको थ्री मार्क्स के क्वेश्चंस जो है डिटेल में आपको बताए थे हर एक चैप्टर वाइज ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना बच्चों मैंने मैथमेटिक्स के फोर मार्क्स और जो है सिक्स मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए फॉर प्रैक्टिस के लिए अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी रिवाइज करेंगे लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं ठीक है तो चलिए आज हम साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं साथ ही मैं आपको जो है इसका चैप्टर नंबर भी बता दूंगी ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है वट आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्सप्लेन एनी टू ये आपका चैप्टर नंबर वन का है नेक्स्ट डिस्क्राइब वेरियस मैथड टू प्रिजर्व फूड ये आपका चैप्टर नंबर टू का है तो ये पंजाब बोर्ड की तरफ से आई हुई जो है पी डी एफ है बट जो है मैंने अलग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना और अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ठीक नहीं लगे लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पंजाब बोर्ड की तरफ से आया तो एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखो थ्री मार्क्स में इन्होंने चैप्टर नंबर टू का क्वेश्चन दिया है और चैप्टर नंबर टू से थ्री मार्क्स का कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है है ना तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ तो फिर भी बोर्ड की तरफ से आई हुई है, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आप आप बोलोगे कि जो मैंने आपको मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड प्रोवाइड किए थे फिर से करा तो आप मुझे मैं जल्दी आपको से के करा दूंगी, उसके बाद वट इज दर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग चैप्टर जो है फॉरेस्ट वाला है ठीक है उसके बाद यहाँ पे राइट डिफरेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी फॉरेस्ट वाले चैप्टर का है, वट आर द कनक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ये भी फॉरेस्ट वाले चैप्टर का है नेक्स्ट एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो ये आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ठीक है वहाँ से आप करना उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग ये भी सेम चैप्टर का है एंड अगला जो है आपका प्यूबर्टी वाले चैप्टर का एडोलसंस वाला चैप्टर है ना वो है लिस्ट द चेंजेस टेक प्लेस एट द प्यूबर्टी एंड uh, इसी चैप्टर का एडोलसेंस वाले चैप्टर का ही अगला क्वेश्चन भी है व्हाट आर हार्मोन्स व्हाट इज द रोल ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी मतलब हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है उसके बाद अगला क्वेश्चन है शो विद एन एक्टिविटी द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ तो ये फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन फ्रिक्शन इज नेसेसरी ए विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल तो इसको तो मैंने आपको बार बार कहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर का है ठीक है उसके बाद लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर एनवायरमेंट एक्सप्लेन हाउ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन ठीक है तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन नंबर थर्टीन राइट सम मैथड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन तो ये आपके साउंड वाले चैप्टर का है ये सारे क्वेश्चन उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एक्सप्लेन हाउ इट वर्क ये भी आपका साउंड वाले चैप्टर का है उसके बाद है हाउ आर द इम्प्योर मेटल प्योरीफाइड यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन विद डायग्राम ये आपका चैप्टर इलेवन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ठीक है उसके बाद राइट फाइव यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रो प्लेटिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन हाउ ए कॉपर प्लेट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय टिन मेटल्स तो ये एक्टिविटी ऑलरेडी आपके चैप्टर में इसी चैप्टर में दे रखी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले चैप्टर में मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो वहां से आप कर लेना ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है राइट सम प्रीक्यूशन यूज टू मिनिमाइज डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थ क्विक ये सब नेचुरल फिनमिना चैप्टर का है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हाउ विल यू डोमस्ट्रेट दैट द वाइट लाइट इज मेड ऑफ सेवन कलर कि वाइट लाइट जो है वो सेवन कलर से मिलकर बनी हुई है इसको ये क्वेश्चन आपका जो है लाइट वाला थर्टीन चैप्टर है ना उसमें से है ठीक है राइट सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो आगे दिखाते हैं आगे है आपका द इंसिडेंट ऑफ द लाइटिंग एंड क्लाउड थंडर इन द स्काई डिक्रीज एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस अस ये भी आपका जो है कौन सा चैप्टर का है ये लाइटिंग वाले चैप्टर का है ठीक है तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ये भी साउंड वाले चैप्टर का है कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड इफ यू एक्सप्लेन विद इन एक्टिविटी सारे ऑलमोस्ट एक्टिविटी वाले क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आप छोड़ना मत राइट फ्यू मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन नेक्स्ट है शो विद एन एक्टिविटी हाउ एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डेप्थ सॉरी डिपेंड ऑन द हाइट ये ऑफ द सरफेस इन द वैसल्स एक्सप्लेन विद अ एग्जाम्पल है ठीक है यहाँ गलत दिया हुआ है तो बच्चों ये भी आपका चैप्टर कौन सा है ये लिक्विड प्रेशर वाला चैप्टर है ठीक है प्रेशर वाला फोर्स प्रेशर वाला चैप्टर ना उसमें है ठीक है नेक्स्ट शो विद एन इक्वेशन वेदर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज विद डेप्थ नेक्स्ट है हाउ इज द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड डिटरमाइन ये आपका जो है चैप्टर एडोलसेंस वाले का है ठीक है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉक विद द हेल्प ऑफ टाइग्राम राइट डिफरेंस बिटवीन मैनवर एंड फर्टीलाइजर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ऑलमोस्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे हैं तो अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना ठीक है तो ये आपके जो है बोर्ड की तरफ से आई हुई असाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है थ्री मार्क्स के क्वेश्चन ठीक है आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस पी के आपको टू मार्क्स के क्वेश्चन और शॉर्ट वर्क भी चाहिए तो मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना सपोर्ट करते हैं लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय